मैं बात कर रहा था कि जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है उसमें ये रॉकरफेलर का बनाया हुआ मेडिकल माफिया जो है, अब मैंने ये आज पिछले से पिछले प्रोग्राम में इस मेडिकल सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी जब, तो वो उस वीडियो के नीचे कमेंट आने शुरू हो गए। अब उस पर कुछ कमेंट आए हुए थे, एक डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि ये फ्रॉड इंसान है, गलत बातें कर रहा है, लोग धोखा दे रहा है, जबकि ये तो दवाइयाँ जो हैं बड़ी मेडिकल रिसर्च होती है। अब ये वो लोग हैं जो इतना गवारा नहीं करते कि एक आदमी बैठ के यहाँ दवा कर रहा है तो हम इंटरनेट पर जाके सर्च ही कर लें उसको वेरीफाई करें और थ्रू आर्ग्यूमेंट उसकी इस चीज का जवाब दे। ये नहीं करना बस तू झूठा तू फ्रॉड, ये एक टिपिकल माइंडसेट है इस मेडिकल माफिया का, क्योंकि ये ब्रेन वॉश होते हैं। इनको जब मेडिकल कॉलेजेस में पहले दिन जाते हैं इनको बताया जाता है कि यू आर द मोस्ट ब्राइटेस्ट ब्रिलियंट किड्स, क्योंकि आप लोगों ने रटे लगा लगा के बजाय इसको के समझ के ग्रेड लें रटे लगाए होते हैं। बल्कि आजकल तो रटे भी क्या लगाने हैं, अगर माल पानी है पेरेंट्स के पास तो आप स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत कहीं से भी MBBS की डिग्री परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो करिकुलम है ये पढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो किसने लिखा है उसमें क्या ट्रू इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे ये डॉक्टर साहबान जो मेरा ये प्रोग्राम सुनेंगे वो मुझे बता दें प्लीज कि डायबिटीज को उसी वक्त क्यों डायग्नोज किया जाता है, डायबिटीज टाइप 2 को जब वो हो चुकी होती, ये मरीज को क्यों नहीं बताया जाता कि तुम्हें आज से 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद डायबिटीज हो जाएगी, जबकि बॉडी तो सिम्टम दे रही होती है ना, बॉडी बड़ा वाजे तौर पर बता रही होती है कि हम उस रास्ते पर चल पड़े, ठीक है ना। और आज वो मैं बताऊंगा सिम्टम्स कि आप बेशक ब्लड टेस्ट भी ना करवाएं, अगर आपकी बॉडी वो सिम्टम देने शुरू कर दे तो आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि गड़बड़ है और मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, मुझे मेरी बॉडी बता रही है।